सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास एल्डन रिंग में ये एरर आ रहा है, कनेक्शन टू द एल्डन रिंग गेम सर्वर वॉज लॉस्ट, तो इस एरर को जो है आप कैसे इजिली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको जो है इसमें चार मेथड बताने वाला हूँ, इसमें से आपके पास एक मेथड तो जो है वर्क करेगा। तो यहाँ पर स्टेप वन, आप जो है सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन जो है चेक कर लीजिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क कर रहा है तो आप जो है स्टेप टू फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज की सेटिंग में जाना है, स्टार्ट मेनू के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर यह प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है, सेटिंग को क्लोज कर देना है। स्टेप थ्री, आपको जो है डिवाइस मैनेजर ओपन करना है, विंडोज के सर्च बार में टाइप करना है डिवाइस मैनेजर, उसके बाद आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर को जो है आपको अपडेट कर देना है। यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर इसको एक्सटेंड कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करना है, फिर आपको राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको उसको क्लोज कर देना है, फिर से राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर आपका ग्राफिक कार्ड शो हो जाएगा, आपको इसको सेलेक्ट कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको जो है इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको पीसी को जो है रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप जो है उसको रीस्टार्ट कीजिए। तो अभी यहाँ पर मैं इसको रीस्टार्ट नहीं करने वाला, यहाँ पर इसको जो है क्लोज कर लेते हैं सेटिंग को। उसके बाद आपको जो है स्टेप फोर फॉलो कर देना है, सर्च बार में आना है विंडोज के, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है कंट्रोल पैनल, आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंज अडाप्टर सेटिंग है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जो भी वाईफाई नेटवर्क यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको जो है राइट क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आपको जो है सेलेक्ट कर यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, आपको जो है इसको सेलेक्ट कर यहाँ पर इस तरीके से जो है टाइप कर देना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको जो है इस तरीके से यहां पर टाइप कर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर से आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर ऑल सेटिंग्स को जो है क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, रीस्टार्ट करने के बाद प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।